नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मेरे YouTube चैनल विनोद कुमार हॉर्टिकल्चर में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज मैं हर्बन 99 5 एप्पल का पौधा लगवा रहे हैं। हमारे किसान भाई, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोग देखते रहें मैं 5 हर्बन 99 सेब के पौधे कैसे लगवा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गड्ढे खुदाई करेंगे। पाँच गड्ढे की खुदाई करने के बाद उसमें वेल डीकम्पोज गोबर की खाद डालेंगे और उसमें कीटनाशक पहले से ही मिलाया गया है। हर्बन 99 सेब की एक सेल्फ पॉलिनेटेड वाली वैरायटी है। सबसे पहले हम लोग पॉलिथीन को अच्छी तरह से निकाल लेंगे, पॉलिथीन बैग को फाड़ के। उसके बाद हम लोग पौधे को लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हर्बन 99 के पौधे। जिन किसान का ये हर्बन 99 सेब का पौधा लगवा रहे हैं, इनका नाम सुनील यादव है और इब्राहिमाबाद गांव का नाम है, जो मऊ जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। हर्बन 99 सेब के लिए कम चिलिंग आवर की आवश्यकता होती है। यह हर्बन 99 सेब हिमाचल प्रदेश के एक किसान द्वारा विकसित किया गया है। इसकी खेती पूरे भारत में मैदानी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में की जा रही है, जहां लगभग अक्सर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। हर्बन 99 के पौधे में 1.5 से 2 साल में फल आना स्टार्ट हो जाता है। ये हर्बन 99 के दूसरे पौधे लगवा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोगों का जो क्षेत्र है, गर्म इलाका वाला क्षेत्र है, इसकी खेती सफलतापूर्वक गर्म इलाकों में की जा रही है। यदि किसान भाई आप लोग भी सेब की खेती कराना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे नंबर दिया गया है, आप लोग संपर्क करके आप लोग भी सेब की खेती, हर्बन 99 की खेती आप लोग भी करा सकते हैं। और यह हर्बन 99 के तीसरा पौधा है। एप्पल ब्रीडर डॉक्टर केसी शर्मा के द्वारा बताया गया कि हर्बन 99 सेब की अकेली ऐसी प्रजाति है जो 13 महीने में ही फल देना शुरू कर देती है। यानी आज आप इस सेब का पौधा लगाते हैं तो 1 साल बाद इसके फल आप खा सकते हैं। हर्बन 99 की खेती फिलहाल राजस्थान में सफलतापूर्वक की जा रही है। इसी को देखते हुए बिहार के बेगूसराय, जमशेदपुर में भी सेब के बगान लगा दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान देश के सबसे गर्म प्रदेशों में गिना जाता है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में इसकी खेती कराई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। यह सेब का चौथा पौधा है। हम आपको बता देना चाहते हैं सभी किसान भाइयों को, यदि कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे नंबर दिया गया है, आप लोग संपर्क करके कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। और आम, पपीते, आंवले के पौधे कोहरे में खराब हो जाते हैं, जबकि सर्दी में सेब का पौधा सुषुप्ता अवस्था में होता है, इसलिए इसमें कोहरे को सहन करने की क्षमता होती है। सर्दियों के सेबों के विपरीत यह हर्बन 99 सेब गर्मियों में ही होता है और इसकी जो फ्लावरिंग टाइम फरवरी से मार्च होता है और इसका जो जून तक इसकी फल का तुड़ाई हो जाता है। हर्बन 99 सेब समुद्र तल से 1800 फीट की कम ऊंचाई पर उगता है और ठंड के घंटों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके 7 वर्षीय पौधे से औसतन उपज 1 क्विंटल पर पौधा होता है। और यह हर्बन 99 पपड़ी रोग के प्रति सहिष्णु होता है। यदि हमारे किसान भाई यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी
सेब की खेती, हर्बल 99 की खेती और लोग करा सकें। पौधे लगाने के बाद पौधे को पानी देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पौधे का जड़ भूमि में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है और पौधे का वृद्धि और विकास अच्छी तरह से होता है। और ठंडी में पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। ठंडी में यदि आप पौधे को पानी देते हैं तो 15 से 20 दिन के अंतराल पे दें, और यदि गर्मियों में पौधे को पानी देते हैं तो एक हफ्ते के अंतराल पे पानी देते रहें।